एक साइट पर बहुत से लोग काम कर रहे हैं, जैसे एक साइट पर आपका सिविल इंजीनियर भी वर्क कर रहा है, एक उसी साइट पर एक मैकेनिकल इंजीनियर भी वर्क कर रहा है, एक साइट पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी वर्क कर रहा है, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी वर्क कर रहा है, तो तमाम तरह के लोग एक ही साइट पर वर्क कर रहे हैं। तो अगर ये सभी लोग एक साथ वर्क कर रहे हैं तो हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर होने के नाते, फायर सेफ्टी ऑफिसर होने के नाते, फूड सेफ्टी ऑफिसर होने के नाते आप इस चीज़ को क्या कहेंगे? अगर आपसे इस तरह की बात पूछी जाए तो आपका जवाब क्या होगा? आपको एक वर्ड में, एक शब्द में इसका जवाब देना है, एक बार में इसका जवाब देना है, तो आप क्या करेंगे? अब हमारे पास ये क्वेश्चन उठता है कि भाई हर एक साइट पे डिफरेंट डिफरेंट लोग तो होते ही होते हैं। अब जब डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं, तो उनको हम क्या अलग अलग नाम, तो सर आप बता ही रहे हैं, सिविल वाला है, मैकेनिकल वाला है, हर चीज़ है, ये तो नाम ऑलरेडी आप दे रहे हैं, मुझे इसमें बताने की ज़रूरत क्या है? लेकिन नहीं, अगर आप हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर हैं और आप अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मानक को फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, तो आपको यह जानना ज़रूरी है कि जहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं, इस तरह के लोग एक साथ वर्क करते हैं, उनके लिए कुछ कोड्स बनाए गए और कुछ रूल्स बनाए गए, कुछ नियम बनाए गए, और उस रूल्स को समझने के लिए ही वह शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर इस तरह की सिचुएशंस आए आपके साथ, तो आपके लिए आपको सिर्फ एक शब्द का प्रयोग करना है। यह शब्द जो है, यह शब्द नहीं, एक तरह का कहेंगे एक छोटा सा सेंटेंस आपका हो जाता है, हम एक शब्द कहते हैं मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर। ठीक है, मल्टीडिसिप्लिन है, ठीक है, तो मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर होगा, यानी मल्टीडिसिप्लिन कब होगा, हम आप अगर मल्टीडिसिप्लिन भी कहते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर कहते हैं तो शायद थोड़ा सा और बेहतर होगा। तो इसमें यह क्वेश्चंस आपके कई इंटरव्यू में अभी पूछे गए हैं, हाल ही के कई इंटरव्यू में यह पूछा गया है कि मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर को आप एक्सप्लेन करिए, आप बताइए कि इसके बारे में क्या जानते हैं। जो मैंने पहले बताया वो सब इसका आंसर था, और लास्ट में जो मैं बोला वह आपका क्वेश्चन है। तो मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर, जब एक ही साइट पर दो या दो से अधिक लोग एक साथ काम करते हैं, जो अलग अलग विधा के लोग हैं, अलग अलग डिसिप्लिन के लोग हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर कहा जाता है। और ये हमारे सेफ्टी के वर्ल्ड में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है, काफ़ी रोल है, और आपने जब स्टडी किया होगा तो इसके बारे में और डिटेलिंग्स भी होगी, तो आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसी के साथ ही इस जवाब के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, अपना ख्याल रखिएगा, अब और अपनों का ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।